बेली फैट्स है, कुछ एज के बाद आप बेली फैट की तरफ चले जाते हैं, जो पेट का जो बढ़ना होता है, तो उस क्या डाइट से उसको कंट्रोल किया जाए? तो उसका जो साइड इफेक्ट है ना वो आपकी किडनीज पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन्स लोड हो जाती हैं आपकी किडनी पे, और प्रोटीन की लोडिंग को अनलोड करने के लिए आपको वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है। यूरिक एसिड वंस जब आपको लाइफ में हो जाता है, ये ठीक हो सकता है? क्वालिटी में आपके पास प्रोटीन का पोर्शन होना चाहिए, ठीक है, और मतलब अगर आप नाश्ता करें तो आपके नाश्ते में एक अंडा लाजमी होना चाहिए, वो वैसे आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। चाय में चीनी हम खत्म कर देते हैं, उसकी जगह जो स्वीटनर्स मिलते हैं मार्केट में, आप उसको रिकमेंड करते हैं? कुछ लोग कहते हैं स्वीटनर्स भी ठीक है। बिल्कुल ठीक, आपने किसी के लिए दिल में बुराई नहीं रखनी, आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह जो करेगा ना बेहतर, और दिल इतना साफ रखें, इतना साफ रखें, अपनी नीयत को इतना खालिस रखें कि कब भी आप किसी को कुछ दे रहे हैं ना तो ये सोच के दें कि मैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, तमाम देखने वालों को फरहान खान पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहते हैं। वल जनाब, हम आज की जो हमारे गेस्ट हैं इनका ताल्लुक एक ऐसे डिपार्टमेंट्स है जो कि हर एक की ज़रूरत है। अब हमारी मुल्क में एक अच्छी बात है कि डाइटिशियन और न्यूट्रिशंस जो है ना उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्हें फ़िट रहना है, उन्हें अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की जानिब जाना है। बिल्कुल जनाब, आज हमारे साथ हमारी आज के मेहमान डॉक्टर इमामा सादिया हैं, आप हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल के अंदर एज अ हेड ऑफ न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है। वेरी वेलकम वेलकम मैडम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। अच्छा, मैंने जैसे कहा कि आप ट्रेंड हमारा बढ़ता जा रहा है, लोग थोड़ा सा इस तरफ आ रहे हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा हेल्दी करना है, व्हाट डू यू थिंक, अभी भी ज़रूरत है कि हमें वी नीड टू गो फॉर ए कंसल्टेंसी फॉर डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएँ ताकि अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकें? बिल्कुल, इसकी ज़रूरत तो आपको हर दौर में रहेगी, क्योंकि खाना जिस तरह से आपके हर दौर की ज़रूरत है, हर वक्त की ज़रूरत है, तो क्यों ना आप उसको मैनेज करके चलें, तो उसके लिए आपको एक डाइटिशियन की ज़रूरत लाजमी रहती है और रहेगी भी। और अब तो मतलब आने वाला दौर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आपके फूड पे ना, अगर आप देखें तो हमारी जितनी तेज़ी से इसमें चीज़ें डिवेल्प होना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, तो ये चीज़ें बहुत इफेक्टिव हैं, और फूड के बगैर तो आपका गुजारा नहीं है, फूड इज़ द बेसिक नीड और नीड भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब डाइट प्लान की बात आती है तो एक प्लान बड़ा फेमस है जिसके बारे में अक्सर लोग यूज़ भी करते हैं फिर ख़त्म करते हैं, कीटो डाइट। व्हाट इज कीटो डाइट एग्जैक्टली? कीटो डाइट में बेसिकली आप मतलब मैं कीटो डाइट को इस वजह से सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज कीटो डाइट में ना आपका ज़्यादा इनटेक जो है वो फैट और प्रोटीन से होता है, ठीक है, कार्ब्स आप बिल्कुल कट डाउन कर देते हो, तो उसका जो साइड इफेक्ट है ना वो आपकी किडनीज पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन्स लोड हो जाती हैं आपकी किडनी पे, और प्रोटीन की लोडिंग को अनलोड करने के लिए आपको वाटर का इनटेक बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, आप उतना पानी का इंटेक रख नहीं पाते हो, जिसकी वजह से आपका जॉइंटस, जिसे आप आम जबान में पीला या अरकान वगैरह कहते हैं, अच्छा, वो होने के चांसेस होते हैं, और हेपेटाइटिस जो लीवर की डिजीजेज है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और किडनी तो डेफिनेटली वो आपका फेलियर की तरफ जाएगी ही, इसलिए कीटो डाइट यहाँ पर ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज हम लोग जितनी कीटो कर रहे हैं उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली वाटर इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको मैनेज करने के लिए कि किस तरह से कितना लेना है क्या करना है, उसके लिए अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर भी रहे हैं तो आपको किसी अच्छे डाइटिशियन की ज़रूरत होगी। नहीं, लेकिन तो वो एक तादाद है, एक हमारी क्लास है जो कि इसकी तरफ फॉलो करती है, बट एक्सपेंसिव है। अभी ट्रेंड थोड़ा कम हो गया कीटो का, अब कीटो से भी आगे जिंदगी चली गई है। अच्छा, वो क्या है, हमें वो बताएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ लोग ज़्यादा जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कीटो के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आए हैं, और एक्सपेंसिव डेफिनेटली ये है, क्योंकि देखिए जिसमें आपका प्रोटीन और फैट्स का इंटेक है, कार्ब्स कट डाउन है, पाकिस्तान में सिर्फ सस्ता कार्ब्स ही तो है, आपको ब्रेड फिर आटा फिर थोड़ा सस्ता मिल जाता है, लेकिन आप गोश्त खरीदने जाएं तो वो महंगा है। अब इतदाल क्या है, आप उसको कैसे मैयर कर सकते हैं, एक आम बंदा अपनी डाइट को कैसे मैयर कर सकता है कि ये बैलेंस डाइट है, ये जो मैं ये खा रहा हूँ, ये खा रही हूँ, ये मेरी सेहत के लिए ठीक है? क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। क्वालिटी में आपके पास प्रोटीन का पोर्शन होना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर आप नाश्ता करें तो आपके नाश्ते में एक अंडा लाजमी होना चाहिए, वो वैसे आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, अगर आप देखें आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, स्किन नरिश रहती है, आपका दिमाग ठीक काम करता है, क्योंकि अंदर उसके अंदर जितने ओमेगास और कोलेस्ट्रोल और ये सब चीज़ें होती हैं वो आपके
कोई भी खा अच्छा सकते ठीक है, हैं। इसमें अब मैं स्पेसिफिकेशंस दूंगी तो राइट लोग मुझे ही आके कहेंगे कि आपने देसी और खाया था, अब महंगा हम वो देसी भी कहाँ से लेकर आए और फिर पर मुर्गियाँ असली पालने देसी शुरू की। ढूंढना भी एक हाँ बात बिल्कुल, ठीक हो बहुत गया। डिफिकल्ट है आजकल तो कलर, इवन आप अच्छे स्टोर्स पर जाएँ तो वो भी उन्होंने कलर कलर करके है रखे बिल्कुल होते ऐसे हैं। ही जी। तो अब आप अगर अंडा ले रहे हैं, साथ आप चपाती ले रहे हैं या दो ब्रेड ब्रेड के स्लाइसेस भी ले रहे हैं तो वो मोर देन इनफ है। अच्छी डाइट आप ले रहे हैं, साथ दूध का कोई पोर्शन ले रहे हैं, दही खा लें, आप अच्छी डाइट खा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि उसमें आपके लवाजमात ढेरों ढेर हो तो अच्छा फिर इसको आप ये हम अच्छे। स्टार्ट इस तरह करते हैं कि वो स्टार्ट फ्रॉम आवर फास्टिंग या आजते की बात कर लेते हैं या फिर सहरी की बात कर लेते हैं क्योंकि रमज़ान चल रहा है। तो व्हाट इज़ द बेस्ट डाइट जो कि हेल्दी बेस्ट डाइट है? आपने रमज़ान में तो सबसे पहले उठते साथ ही आप कोशिश करें कि नीम गर्म पानी लें और उसके ओके अंदर अगर आप हनी ऐड कर लें तो वो बहुत बेस्ट है। ठीक बिकॉज़ है सोने के बाद जब आप उठते हैं तो आपका ब्रेन थोड़ा सा ना उसकी फंक्शनैलिटी को थोड़ा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक राइट है। तो वो एनर्जी देने के लिए आपके पास ओनली सोर्स है वो ग्लूकोज है, ठीक ठीक है, है जो सिंपल शुगर्स में से आता है। और फ्रुक्टोज भी सिंपल शुगर में है और फ्रुक्टोज आपकी हनी के अंदर होती है, ऑलराइट ठीक है। आप वो हनी ले सकते हैं पानी के साथ, आपका ब्रेन जो है वो फ्रेश हो जाएगा। जितना आप वाह ब्रेन को फ्रेश रखेंगे उतना आपके वाह लिए ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा वाह आसान हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने पानी पी लिया, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद नाश्ता लें। नाश्ते में आपकी चपाती हो सकती है, पराठा भी हो सकता है, दलिया भी ले सकते हैं आप, ब्रेड भी ले सकते हैं। उसके वाह साथ आप ऑमलेट रखें, बॉयल एग भी ले सकते हैं, ठीक टोटली है अप टू यू। अगर आपका कोई चेंज सालन है करके तो आप आप कुछ वो भी कर सालन सकते ले हैं सकते हैं, ठीक कबाब ले सकते हैं, साथ आप थोड़ा सा दही ले लें। और अगर आपको मतलब सहरी में अभी टाइम है तो आप थोड़ी देर बाद अगर चाय लेना चाहते हैं तो यू कैन हैव ठीक इट। है ठीक है। चाय का कप ले सकते हैं आप हाँ इजाज़त यू कैन देती हैव हैं? इट, ओके मतलब 2 कप आप दिन में पी रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। सुबह शाम में इट्स ओके कोई ऐसा इट्स इशू नहीं ओके, है। हाँ जी। अच्छा बस अच्छा ये होता है कि चाय के साथ आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा ले ओके लें, मतलब ओके क्योंकि वो डाइयूरेटिक होती है, आपके जिस्म के पानी को जो है वो बाहर निकालती है। तो वाटर इंटेक आप अच्छा रखें तो डिहाइड्रेशन के चांसेस अच्छा कम हो जाएंगे। नॉर्मली वाटर इनटेक जो है अगर हम बात करें तो दिन में कितना पानी पीना चाहिए और कितने ग्लास? 8 8 से 10 ग्लास। से 10 ग्लास और इसके अंदर सारा आपका पानी, टोटल पानी आता है जो आपके सालन में इस्तेमाल हो रहा है, फ्रूट से आ रहा है, वो सब पानी है। अच्छा। जी जो और जी जो वेजिटेबल्स हाँ में जी सैलेड बिल्कुल। में अगर या आप मतलब खीरा खा रहे हैं तो उस वो वाटर रिच है, हरबूजा खा रहे हैं वाटर रिच है, तरबूज खा रहे हैं वाटर रिच है, तो वो आप उसका पानी स्किप कर दें। ठीक है। अच्छा ऐसा होता है कि शहरी के वक्त अक्सर लोग वो कहते हैं कि जी सारा दिन प्यासा रहना है तो हम 4 5 6 ग्लास इकट्ठे पानी के पी लेते हैं। व्हाट इज़ दैट? ठीक है वो उसमें फिल्ट्रेशन तो आपकी बॉडी की हो जाती है, ठीक ठीक है है, क्योंकि पानी स्टोर तो आपका रहना नहीं है। लेकिन हाँ, फिल्ट्रेशन की सेंस में आप पी रहे हैं तो पी लें, डिटॉक्सिफाई हो रहा है, अच्छी बात है। आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं, लेकिन ओवरलोड नहीं फास्ट हो एंड जाता माते पानी जब आप, ज़्यादा? वो जाहिर है फिर आपका जो खाने का जो है ना वो सप्रेस हो जाता है, आप खाना नहीं ठीक से खा पाते। और शाम के वक्त अगर जो खाना अगर मिल जाए अफ्तारी के खास तौर अगर बात करें तो उसमें क्या होना चाहिए? अफतारी में पहले तो मैं खजूरों का बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। अच्छा 5 7 कोई भी तीन खजूर कोई भी खजूर लें, 5 7 3 आप खजूरें ले सकते हैं, क्योंकि पांच खजूर सात खजूरें 5 या 7 इसमें या शुगर का 3। एलिमेंट नहीं होता? शुगर बिल्कुल होता है, फ्रुक्टोज है, सिंपल फ्रूट शुगर है, ठीक है। फ्रूट शुगर तो आप ले ही सकते हैं, फ्रूट शुगर में आज सच किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। आप फ्रूट्स भी खाते हैं ना, तो कभी आपने सुना हो किसी डाइटिशियन ने कहा हो कि फ्रूट आपने सिर्फ इतना खाना है? वो कहते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप ज़्यादा खाएं, जितना बिल्कुल ठीक मैक्सिमम हो सकता है आप खाएं। और खजूर एक मुकम्मल गज़ा है, एक बिल्कुल ताकत है उसके अंदर, बिल्कुल हमारी डाइट है सुन्नत से जी भी जी साबित है, बेशक तो बेशक आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। आपकी जितनी एनर्जीज डाउन हुई होती है ना, वो आपकी फुलफिल हो जाती है। अच्छा तो इसका मतलब तो खजूर 4 से 5 खजूर लें ठीक है। 4 नहीं, वो ताकत आदमी लेनी अच्छा चाहिए, ओके तीन ठीक पाँच हो सात गया ठीक हो गया 3 5 7 ठीक हो गया। बिल्कुल। और फिर उसके बाद पानी का ग्लास लें? हाँ जी, पानी ले लें आप। पानी के बाद आप मतलब फ़ौरन अपने बॉडी को लोड ना करें खाने पीने से, थोड़ा सा उठ जाएं, चहलकदमी करें, नमाज वगैरह पढ़ लें, उसके बाद दोबारा आप आकर बैठें। और आपका कोई भी फूड आइटम है, स्टार्ट विद फ्रूट्स, फ्रूट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फ्रूट नहीं है तो इवन आपका सिंपल खीरा भी है, कुछ भी आप वो ले सकते हैं, सैलड्स वगैरह ले सकता हूँ सैलड्स भी ले ठीक सकते है हैं, आप चना चाट ले सकते हैं। अच्छा उसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट फ्राइड आइटम्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा हाथ हल्का रखते हुए। फ्राइड आइटम्स से हाँ क्या मतलब मतलब? समोसे कचौरी चिप्स ये सारी चीज़ें आप आप अगर खाते हैं? पकोड़े खा रहे हैं तो आप 2 से 3 पकोड़े ले सकते हैं। अगर समोसा खा रहे हैं तो आप, अगर छोटा छोटे समोसे हैं तो आप 1 समोसा ले सकते हैं, इट्स टोटली फाइन, क्योंकि उसके आपकी कैलोरीज बर्न भी हो रही हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको वेट गेनिंग का इशू है
तो उसमें आपको थोड़ा सा अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मेरे से ये पूछे ना कि मैं जर्नलाइज डाइट बताऊं, तो सबके लिए मैं एक जैसी डाइट नहीं बता बिल्कुल ठीक, सकती, बॉडी पे वो डिपेंड पर्सन टू करता है। पर्सन वेरिएशंस आती हैं। हाँ, तो ये मैं आपको सिर्फ एक जनरल रिकमेंडेशंस दे रही हूँ कि आप ये कर ऑन सकते हो। एवरेज इसका जर्नली जो बिल्कुल पब्लिक है जो बिल्कुल डेली की बुनियाद पे। अच्छा, एज लिमिट का कितना इसके अंदर होना चाहिए कि मतलब सपोज एक बच्चा है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जो 5 साल से 15 साल तक की उम्र या 20 साल, 20 साल के बाद फिर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती है, बिल्कुल 20 से 30 होती है। सो इसमें डाइट को किस तरह आप मैनेज कर सकते हैं? इसमें देखिए, अब जैसे आप ये एडल्ट अर्ली चाइल्डहुड वाली जो एज होती है ना, एडल्टहुड से पहले वाली, उसमें तो आपकी कैलोरीज बहुत भर जाती है। मतलब जो आपका खाने का इंटेक या आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है ना, वो बहुत भर जाती हैं। वो आपकी बहुत ज़्यादा मतलब 2000 to 2200 तक जाती हैं। तो उसमें आपका इंटेक बढ़ाना चाहिए बच्चों का। जैसे मतलब अगर मैं बात करूँ प्यूबर्टी की एज की, तो यही वो एज होती है जो प्यूबर्टी की एज होती है। इस एज में जो बच्चों के लेवल्स है ना, कैल्शियम और वाइटामिन डी के लेवल्स, वो बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाते हैं। अच्छा। तो उस लेवल्स को मेंटेन करने के लिए उनका इतना इंटेक भी रखना चाहिए। हाँ, अनलेस और अंटिल उन्हें किसी किस्म का ओबेसिटी का इशू ना हो ठीक है ठीक है। अच्छा, माएँ तो। एक जोर लगा रही थी बच्चों को, छोटे बच्चों पे रड़ी होती हैं, खाओ खाओ, हर आधे घंटे घंटे के बाद कुछ ना कुछ उनको खिलाने का होता है। सो वो अब ये नहीं देखती कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, जो वो खाया उसने कितना हेल्दी खाया, ठीक है कि नहीं। सो ये जो एक माओ का एक रवैया होता है, इसको आप कैसे देखती हैं? अच्छा, अब इसमें ना अगर आप न्यू बॉर्न्स की बात करें, तो न्यू बॉर्न्स ने ना एवरी 2 आवर्स ठीक है, वो तो हो उन्होंने गया। लेना है। जब न्यू बॉर्न्स 2 घंटे के बाद उनका एक फिक्स टाइम है, अगर लो बर्थ वेट का बच्चा है तो 1.5 घंटे के बाद लेता है, लेकिन अगर हेल्दी वेट है तो 2 से 3 आवर्स वाला उसका टाइम होता है। तो अगर वो बच्चा आपका 2 घंटे बाद खाता है, तो आपका अर्ली एजेस में जाता है वह बच्चा क्यों आधे आधे घंटे बाद खाए, पहला सवाल। दूसरी बात ये कि आपके बच्चे की ज़िंदगी में ऐसा टाइम भी आता है कि जिस टाइम में वो हवा पे पल रहा होता है, और वो उसका ग्रोथ का टाइम होता है। ठीक है, जब बच्चे की चीज़ें ग्रो कर रही होती हैं, लाइक उसकी हड्डियाँ बढ़ रही हैं, उसका जिस्म भर रहा है, हाँ, तो ये वाली एज में ना वो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आता है। बिल्कुल ठीक। आप उस चिड़चिड़ेपन को मैनेज करने के लिए उसको ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 पे लेकर जाएं, ठीक है जो कि आपके ऐसे एसेंशियल फैट्स हैं जो आपको मिलेंगे अखरोट में, बादाम में, नट्स में, और हेल्दी आपके जितने भी ओके फैट सोर्सेज हैं उसके ओके। अंदर मिलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा इशू हमारी सोसाइटी का, पाकिस्तान का नहीं बल्कि सब कॉन्टिनेंट का है, बेली फैट जो है। कुछ एज के बाद आप बेली फैट की तरफ चले जाते हैं, जो पेट का जो बढ़ना होता है, तो उस क्या डाइट से उसको कंट्रोल किया जा सकता है कि उसके लिए ज़रूरी क्या एक्सरसाइज ही करनी देखिए, है? उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि बेली फैट होता क्यों है। जब आपके जो है वो एक्स्ट्रा फैट्स आपके एडिपोज टिश्यूज़ में, एडिपोज टिश्यूज़ वो वाले टिश्यूज़ होते हैं जिसके अंदर फैट डिपॉजिट होता है, ठीक है वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। और वो फैट आता कहाँ से? आपके खाने से आता है। ठीक ओके, है, जो आप अब खा रहे आपने होते हैं। हाईली फ्राइड आइटम्स खाई हैं, और उसके बाद आपने जो है वो अच्छी खासी खाई है, आपने इमोशनल ईटिंग की है, और उसके बाद आप बैठे हुए हैं बिल्कुल ही वो पोटैटो काउच बन के, फिजिकल कोई कोई एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी ना। नहीं है आपकी, तो फिर वो आपके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसका चढ़ना बहुत आहिस्ता होता है बेली फैट्स का, जी, उस लेकिन उतरना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन मतलब चढ़ भी तो एक टाइम से रहा होता है ना, आप हाँ खा रहे होते हैं वो बन रहा होता है, बिल्कुल जो आप बिल्कुल खा रहे हैं वो लग रहा है हाँ आपको, हाँ और एक लेकिन फिर दिन की आपको बात ये नहीं होती है, लगता सालों की है बात हाँ, होती है। लेकिन फिर मोस्टली आपके पेशेंट्स आपको आके ये कहते हैं, मेरा तो बिल्कुल ठीक था, अचानक ही हुआ। 1-2 सालों में ही हुआ हाँ, है वो 1-2 सालों में नहीं होता, वो आपकी मेहनत ये डाइटिंग होती है हैबिट्स आपकी, वो कड़ाइयाँ होती हैं, एग्जैक्टली निकल रही बिल्कुल होती आपके ठीक। जो है ना वो लाइफस्टाइल है जो जिसकी वजह से। और हाँ, इसको इजीली उतारा जा सकता है, लेकिन अगर आप गर्म पानी का इंटेक रखें, लाइक आपके बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा हाई हीट वाला आप पानी इस्तेमाल करें, वार्म वाटर जिसे आप बोलते हैं उसका इस्तेमाल करें। और दूसरा, आपने सफ़ेद जीरे के बारे में सुना होगा, जी जी तो जी वो उसको आप तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लें विदाउट ऑयल, आप उसको नीम गर्म पानी के साथ निहार मुंह लेंगे, तो आपके बेली फैट्स बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा और बैठते हुए कोशिश करें कि आप झुक के मत बैठें, आप अपने पोस्चर को सीधा रखें, ताकि वो फैट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छा, ना, पोस्टर बड़े मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा आपकी मैटर फैट्स करते उन हैं। चीज़ों के बिल्कुल लिए, बिल्कुल बल्कि पोस्टर्स आपकी कमर के लिए भी, ये एग्जैक्टली हम लोगों और की जो पोस्चर्स आपकी पर्सनालिटी के लिए भी बहुत मैटर करते हैं। अब आप लटक के बैठे हुए हैं, तो आप हर बंदा आपको ये समझेगा बहुत लेथार्जिक पर्सन है ये।
लेकिन अगर आप थोड़ा स्ट्रेट बैठे हुए तो वो आपको कहेंगे अच्छा यार इस बंदे की कुछ पर्सनालिटी पर्सनालिटी है अदर्स तो ये तो ऑब्वियसली मतलब, बात है। और आपको आप पता है कि हर बात बंदा आजकल जजमेंटल बहुत ज्यादा अच्छा शुगर का जो इनटेक है, अब डाइटिशियन इससे बड़ा मना करते हैं, डॉक्टर्स बड़ा मना करते हैं कि शुगर को ज़िंदगी से ख़त्म करते हैं, पर शुगर की कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ज़रूरत भी तो है ना, बॉडी को रिक्वायरमेंट है। देखें जैसे खुशियों की जरूरत है वैसे मीठे की भी बहुत अच्छे बहुत जरूरत अच्छे। है तो इसलिए आप लिमिटाइज करें लेकिन किसी चीज़ को कट डाउन ना करें कम्प्लीटली। अगर आप शुगर की बात करते हैं तो फ्रूट्स में भी शुगर है, फिर आप फ्रूट्स भी वो तो खाना छोड़ नेचुरल है दें, ना। नेचुरल है तो शुगर ना। ठीक है, और आप वो आपने छः तीन तीन सात और खजूरों का भी कहा, वो भी हाँ है वो ठीक भी है। शुगर है, वो मतलब है तो वो भी हाँ वो नेचुरल, भी नेचुरल बिल्कुल। लेकिन शुगर है मीठा है वो आप खा रहे हैं। तो अगर आप वो सफ़ेद चीनी की बात कर रहे हैं तो उस पर वो ब्लीचिंग एजेंट ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी से थोड़ा हटा दें तो स्वीट्स ज़्यादा बेहतर वगैरह है। हाँ बेकरी मतलब जैसे आइटम्स बेकरी आइटम्स, मुझे तो पर्सनली वैसे मिठाइयाँ पसंद ही नहीं है, लेकिन हाँ वो बहुत ज़्यादा शीरे में डूबी हुई मिठाइयों से को ज़रा अवॉइड करें। लेकिन अगर खाना भी है तो ज़रूरी नहीं कि पूरे का पूरा रसगुल्ला आपने ही खाना है, आप आधा दोस्तों भी कर वो जो घर सकते में हैं। डब्बे आते हैं दो दो किलो के मिठाई के, वो किसने ओ खत्म भाई करने हैं? बांट दे मिल बांट के खाने से वैसे भी बरकत होती अच्छा है। ठीक है, अच्छा उसको बांट दे, वो खाए हाँ नहीं। मतलब थोड़ा बांट यानी आप कहते हैं कि अगर के मिठाई का 2 किलो का डब्बा घर में आया कोई लेके, तो उसमें से कम से कम एक, 1 किलो तो आप किसी को देना ही नहीं वो ठीक है, लेकिन चाहिए। आप एक रसगुल्ला खाएं सर, हाँ मतलब आप एक दिन में एक खा लें इट्स ओके, और काफी। लेकिन उसके बाद आप उसके अपनी चाय में चीनी खत्म कर दें, वो ना लें, और अच्छा इस तरह से मैनेज कर ठीक है, लें। चाय में चीनी हम खत्म कर देते हैं, उसकी जगह जो स्वीटनर्स मिलते हैं मार्केट में, हाँ आप जी उसको रिकमेंड करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वो स्वीटनर्स भी ठीक नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, ये इश्यूज हो रहे हैं, ये जो स्वीटनर्स यूज़ जो हो रहे हैं। भी केमिकली प्रोसेस चीज़ें होंगी वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स लाजमी देती हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन आपके पास नेचुरल स्वीटनर्स हैं जैसे स्टेविया है, वो एक नेचुरल स्वीटनर है, उसका पौधा भी मिल जाता है, ठीक और है इसके अलावा आपको साशेस भी मिलते हैं स्टेविया के, वो भी काफ़ी क्लोज टू नेचर है, तो ठीक आप है। उसको भी यूज़ कर सकते अच्छा हो। स्टीविया का पौधा जो वो घर में लगा सकते हैं, हाँ आप जी कह रहे हैं, बिल्कुल इजीली अवेलेबल तो होता उसको है, यूज़ कैसे करना है आप स्टीविया? दो पत्ते उसके उतारें, उसे धोएं और चाय में डाल दें, दूध में डाल दें, वो मीठी दो हो पत्ते जाएगी, उतार के धो के चाय में डालें, मीठा आ बिल्कुल जाएगा उसमें। मिठास आ जाती है। और वो स्टेविया का ना एक होता है कि आपको थोड़े टाइम के बाद उसमें थोड़ी सी कड़वाहट भी फील होती है, वो अगर आप वैसे पौधे से उतार के पत्ते इस्तेमाल करें या फिर उसका साशे आप यूज़ करें, दोनों में आपको जो है बड़ा वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है कड़वाहट। वैसे डॉक्टर स्टेविया जी। पौधा नहीं, पौधा नहीं, जो उसका साक्ष्य मिलते हैं हम वो नहीं, कंपैरेटिवली। आपको 100 रुपये में पौधा मिल जाएगा, आप घर में लगा लें। अच्छा हाँ अच्छा जी बिल्कुल, मैंने अपने घर में लगाए हुए हैं तो मैं तो वही यूज़ कर लेती हूँ। और उसका पाउडर कैसे बनता है? उसका पाउडर देखें आप जैसे बाकी चीज़ों का पाउडर बना लेते हैं, आप इसको इसके पत्ते उतारें, इसे सन ड्राई दें, सन ड्राई के बाद आप इसे क्रश कर लें, पाउडर बन अच्छा, गया। यानी कि ये तजर्बा भी किया जा हाँ सकता जी है घर में, बिल्कुल, और वो स्वीटनेस होता है और हाँ हेल्दी जी भी है, बिल्कुल हेल्दी भी है, और जो आपको पता भी आपकी आंखों के सामने वो परवान चढ़ा है, आपने कुछ गलत चीज़ इसमें नहीं यूज़ की, तो वो आपको एक प्लस पॉइंट होता दैट्स वेरी गुड। अच्छा जैसे ये बताइए कि जी कार्ब्स, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। कौन से कार्ब्स आप रिकमेंड करती हैं कि जी ये? हेल्दी कार्ब्स जिसके अंदर चोखर ज़्यादा हो, चोखर फाइबर है वो ज़्यादा हो, जिसमें आप आटा अगर दें तो चक्की का आटा लें, सफ़ेद आटे की जगह पे आप वो इस्तेमाल करें, आप ब्राउन ब्रेड लें, ब्रैन ब्रेड जिसे आप बोलते हैं आप वो यूज़ कर लें, आम जबान में आम लोग उसे ब्राउन ब्रेड कहते हैं क्योंकि उसका कलर ब्राउन देख के तो उसे वो ब्राउन कहते हैं, लेकिन ब्रैन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, होल ग्रीन ग्रेन यूज़ कर सकते हैं, मल्टीग्रेन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप दलिया की तरफ जा सकते हैं, जौ का दलिया, गंदम का दलिया, आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते ठीक है, हैं, मतलब ये ये हेल्दी 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 काब्स, कार्ब्स हैं बिल्कुल ठीक है, और ये किसी भी उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। आप किसी भी उम्र में बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो सैंडविचेस दे दें, आप मतलब वाइट ब्रेड में ना दें, आप बच्चों को टेस्टी ब्रेड, क्योंकि मदर्स के हाथ में होता है, पेरेंट्स के हाथ में होता है, 5 साल तक अपने बच्चों के टेस्ट भी डेवलप कर सकती हैं वो, और 5 साल तक वो अपने बच्चे की नेचर भी डेवलप कर सकती हैं, बिल्कुल तो ठीक आप जो चीज़ आप उन्हें दोगे वही आप पाओगे, जो ठीक है, बीजोगे वो ये तो है। काटोगे। अच्छा जंक फूड जो है इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है हमारे हाँ यहाँ, जी बिल्कुल और अब तो खैर बढ़ता जा रहा है, बच्चों की जो ओबेसिटी का सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में, उसके वन ऑफ द बिल्कुल रीज़न कहते हैं जंक फूड का यूज़ बहुत। ऐसे ही। सो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जंक फूड को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? जंक फूड बेसिकली ये क्रेविंग है, और राइट क्रेविंग आपकी उस वक्त होती है जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, आपको तब क्रेविंग्स होती हैं, क्रेविंग्स आपको तब होती हैं जब आप स्ट्रेसफुल होते हो। आप ये देखें कि आपका बच्चा किस
लेवल पे है, ठीक है आइदर वो स्ट्रेसफुल है या इमोशनली ईटिंग कर ठीक रहा है, है आप पहले बच्चे को समझो कि आपका हाँ बच्चा किस लेवल पे जाके ये चीज़ें कर रहा है, ठीक ठीक है। उसके बाद आप ये चीज़ें स्किप करवा सकते हो। जब एक प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर मील खाया जाता है ना, उसके बाद आपको भूख नहीं रहती, तलब नहीं रहती। जब आपको पता हो कि अच्छा मैंने ये खा लेना है और रात में KFC की डील 12 बजे के बाद लगनी है, वो तो मुझे मैं वो खिलानी है, ले सकता हूँ, यानी अपना भी मेरे चस्का होता है। पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स नहीं मुझे मना करेंगे, दे कैन पे, तो वो फिर बच्चा लाजमी बात है कि घर का खाना कम खाएगा। पेरेंट्स को जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी बिल्कुल, कोचिंग की ज़्यादा उनकी ज़रूरत काउंसलिंग के बगैर आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हो। मतलब पेरेंट्स कैन डू एनीथिंग विद देयर चाइल्ड, क्योंकि मैं ये समझती हूँ और मैं ये कहती भी हूँ, अगर मेरे पास इस तरह का कोई पेशेंट आता है तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि आप इनके माँ बाप हैं, ये आपके माँ बाप नहीं है, आप इन्हें कह सकते हैं, वो आपको नहीं कह सकते। अगर इस तरह है भी है कुछ, तो कोई दरमियानी हल निकालें, रादर कि आप इधर उधर से, मतलब बच्चे की बात माने, बच्चे की जिद पूरी करें, बच्चे को समझाएं, उसे काउंसल करें, उसे नुकसान का भी बताएं, प्रोज एंड कॉन्स का पता होना नेचुरल है, चाहिए। वो ज़रूरी है, बच्चे को नहीं बिल्कुल। पता होगा तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। चूँकि पेरेंट्स का अपना भी एक ट्रेंड होता है जंक फूड का, और आप चूँकि कुक्ड फूड भी मिलता है मार्केट से बहुत ज़्यादा रेडी टू ईट, रेडी टू ईट मिल जाता है, सो बिल्कुल। उस कुक फूड को आप एज ए डाइटिशियन रिकमेंड करती हैं कि पेरेंट्स को उसका इस्तेमाल कराना चाहिए बच्चों को? लाइफस्टाइल जो है हमारा, जिस नोयत का आजकल चल रहा है ना, उसमें सब भी मजबूर हुए हैं वो रेडी टू ईट फूड्स की ठीक है, तरफ। हमारे पास घरों हेल्दी है में वो? नहीं, मैं प्रोसेस चीज़ों की तरफ मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ। ठीक है हमारे पास घरों में वक्त नहीं होता कि हम शामी कबाब बना सके, हम वहाँ से केएनएनस के पकड़ लेंगे, हम सूफीज के पकड़ लेंगे, मार्केट किसी से भी रेडीमेड मार्केट से, जी हाँ जी मतलब जो भी अवेलेबल है हम वो लेंगे और ट्रू रख लेंगे, और बच्चे ने खाना है तो हम उसे वो निकाल के नेचुरल फ्राई कर देंगे। जब आपके पास फ्राई करने का टाइम है तो यू शुड हैव टू टेक द टाइम कि आप उसे बना भी सको। यानी खुद बना के दें हाँ, घर खुद में, बना के घर दें, का फूड हो साफ सुथरा हो, पता तो है ना बिल्कुल आपने खुद बनाया है, बिल्कुल अपने हाथों से ऐसे बनाया है, इसकी ऐसे इसकी प्योरिटी भी, और फिर उसमें बरकत भी है बरकत तो बहुत ज़्यादा भाई कि आप आप। अपने घर में अपनी हाँ चाह से एग्जैक्टली अपनी उसमें मोहब्बत डालती है ना वहाँ। एग्जैक्टली, और फिर उस चीज़ का असर भी बच्चे पे अलग तरीके से होता है। अगर आप ये देखें ना, आप वो ब्रॉयलर्स खिलाते हैं बच्चों को, मतलब रेडीमेड चीज़ें खाते हैं, तो आपका बच्चा भी रेडीमेड ही होता है मतलब वो भी बर्गर बच्चे वो डेवलप भी हो रहे बर्गर होते हैं। बच्चे, तो दैट्स ट्रू, ठीक कह रही हैं। आप को चाहिए कि आप घरों अच्छा में थोड़ी बच्चे रफ मेहनत एंड टफ करें। नहीं है अब, बिल्कुल ऐसे मतलब बच्चे बहुत ज्यादा वो आप कह रहे ना कि जिस आप सपोज मैं अगेन अपने आप को वोट इसलिए करता, हम उस दौर के बच्चे कि हमें माए सब कुछ खिला देती, हम खा लेते थे, हम घूम रहे फिर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चे सारी बात है उनकी गेमिंग, आजकल इंडोर हाँ, गेम्स हैं, मोबाइल मोबाइल्स हैं, टैब्स, वो बिल्कुल एक बड़ी अच्छा फूड में खासतौर पर मीट की हम बात करेंगे, ब्रायलर की आपने बात की है, ब्रायलर जो चिकन है वो उस पर अक्सर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इससे आप जान छुड़वा लें किसी तरह, ब्रायलर को ज़िंदगी से ख़त्म करते हैं, ब्रायलर को ख़त्म करेंगे तो फिर है क्या, बचता क्या बच्चों के फूड में? नहीं। चिकन आपके पास देसी चिकन भी है, ठीक आप है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, आप मटन भी यूज़ कर सकते ठीक हैं, है, आप क्लिंजिंग टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सी मतलब टेक्निक्स? क्लिंजिंग क्लेंजिंग टेक्निक्स, टेक्स, मतलब ओके आप किस तरह चिकन को साफ़ करें, उन ठीक टेक्निक्स है को यूज़ कर ठीक सकते है। हैं। आम अगर देखा जाए किसी के पास, लाइक हमारे पास अब तो प्रोसेसर्स भी हैं, फूड प्रोसेसर, जो लाइक आपके एक ओजोन लेयर डेवलप कर देते हैं, और उन लेयर्स के थ्रू जो है वो चिकन जो है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा हो अच्छा जाता है। ठीक है और सेकेंडली, अगर आपके पास वो नहीं है, तो आप सिंपली पानी के अंदर चिकन को डिप करें और उसके अंदर सिरका और आप नमक डाल दें, और उसके अंदर तकरीबन उसे आधा घंटा डिप रहने दें, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा आपके पास अच्छा कुकिंग मेथड्स भी आप इस तरह के कर सकते हैं कि आप थोड़ा हाई फ्लेम पे चिकन को पका लें, ठीक वो है। भी आपका मतलब अंदर से जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाते हैं। अच्छा बीफ का इस्तेमाल जो है वीक में कितने दिन करना चाहिए, कितने दिन आप बीफ आप इस्तेमाल कर? थ्री टाइम्स कर सकते हैं, ठीक अगर अनलेस और अंटिल आपको एलर्जीज ना हो, क्योंकि बीफ एक ऐसा फूड है जिसे मोस्टली लोगों को एलर्जी हो। ठीक है, और और अब वो यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल, तो ये पानी की मछली है, लाइक अगर आप इसको पानी जितना डालोगे वो उतना जो है ना तैरता तैरता आपकी बॉडी में से निकल अच्छा जाएगा यूरिक एसिड वंस जब आपको लाइफ में हो जाता है ये ठीक हो सकता है मेडिसिन से? बिल्कुल ठीक हो सकता है मेडिकेशन से भी, और इनफैक्ट इसमें डाइटरी थेरेपीज भी हमारे पास अच्छा बहुत सी हैं, लाइक जिसमें सबसे बेस्ट थेरेपी जो मैं अपने पेशेंट्स के लिए यूज़ भी करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आए अच्छा हैं, अच्छा उसमें यह है कि आपके पास बंद गोभी है, बंद गोभी के दो पत्ते आपने रोड तक उतारने, ठीक है,
आपने उसको थोड़ा सा क्रश कर लेना है हाथों से, ठीक ठीक है? आपने उसे एक कप के अंदर डाल देना है। दूसरी साइड पे आपने पानी गर्म करना है, पानी गर्म किया और उसके अंदर थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा जीरा डाल देना, ठीक ठीक है? है पानी अबाउट टू बॉयल हो गया, आपने उस पानी को उन पत्तों के अंदर डाल के उन्हें 5 मिनट के लिए ढाँप देना है, ठीक है ठीक है? विदाउट फ्लेम राइट ढाँप देना है। राइट आप उसमें थोड़ा सा हनी डाल के वो यूज़ करें, आप यूरिक एसिड विद इन अ वीक आप देखेंगे कि अच्छा आपका अच्छा बड़ा अच्छा ये उसका तो आप फ्री रिजल्ट में आता है। मशवरा दे रही हैं बगैर ये नेकियां कमानी चाहिए पैसों के क्योंकि सबका जारी आजकल है और बिल्कुल ये आप कह रही है इफेक्टिव है ये। बहुत इफेक्टिव है। अच्छा हमारे यहाँ जो है कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, बेवरेजेस जो मार्केट हाँ के जी हैं, कलर मशरूबात का इस्तेमाल जी बहुत जी ज़्यादा किया जी जाता है। जी रिकमेंड करते हैं थोड़ा बहुत बंदा हफ्ते में एक दो दफ़ा पी ले उसको। जिसमें आपका मतलब अब देखें, एक हमारे पास बड़े अच्छे दो पाकिस्तान में तो बड़ी अच्छी सहूलत है कर्शी की और हमदर्द वालों की, इनके अच्छा बड़े अच्छी हमारे पास इनकी फूड आइटम्स हैं। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं किसकी हकीम हूँ या ऐसा कुछ हूँ, क्योंकि अक्सर लोग जब भी हमदर्द और कर्शी की बात आती है तो वो समझते हैं कि वो सिर्फ हकीम ही बता सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि इसमें हमारे पास संदल का शरबत, हमारे पास बजूरी और इसके अलावा बादामों का, ठंडे होते और हैं ये मतलब ठीक इस तरह के शरबत हमें ना बड़े अच्छे उनसे मिल जाते हैं। लेकिन अगर यही हम बात करें कि कलर्ड फूड फुल आइटम्स जैसे आइस गोला वगैरह मिलता मतलब आइस है गोला नहीं, मतलब मैं अभी कुछ दिन पहले शॉपिंग के लिए मतलब ग्रोसरी के लिए गई थी तो मैंने वहाँ पे आइसलैंड के नाम से ना एक वो मशरूब देखा था, ग्रीन कलर का था, आइस सिरप टाइप था कुछ ना। बताओ तो मेरे साथ एक बच्ची थी, उसने ज़िद की कि मुझे ये चाहिए ना, तो मैंने कहा ये मतलब आई डोंट नो कैसा होगा कैसा नहीं, बट आई थिंक वी शुड हैव टू ट्राई वंस अच्छा ना। चेक करने के लिए। लाइक अगर फर्ज करो मेरे से कोई मेरा पेशेंट पूछता भी है तो मुझे पता हो कि ये क्या चीज़ है, दैट्स टोटली शुगर और उसके अंदर अच्छा ग्रीन फूड कलर आपने। स्ट्रेस की भी एक बड़ी वजह ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस एं्जाइटी है कि हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो भी हम हटते जा रहे हैं, हकीकत से हटते जा रहे मुझे हैं। बेसिकली ना अगर मैं ये कहूँ कि मैं पर्सनली भी अगर देखूँ कि मुझे स्ट्रेस उस वक्त होता है जब मेरा यकीन डगमगाता है, तो ये जो यकीन है ना ये आपका बड़ा कामिल होना चाहिए। हाँ इंसान हैं हम, फॉर द शॉर्ट टाइम आपके पास ये राइट है कि आप अपनी जगह से हट सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आप रो लो आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको संभालने वाली सिर्फ एक ज़ात है और वो अल्लाह की ज़ात है। आपको दुनिया में कोई बंदा नहीं संभाल सकता, जितना आप लोगों के सामने रोते हैं ना आप उतना अपने आप को की तजलील करवा रहे होते हैं। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो अल्लाह ताला की तरफ ही लेके जाएं, और रुजू जब रुजू स्ट्रांग होता है ना, ताल्लुक स्ट्रांग होता है ऊपर वाले ट्रू के साथ, ट्रू तो आपको फिर ज़मीन की कोई चीज़ मतलब दिल नहीं लगता आपका यहाँ पे, और कुछ आपको तंग कर भी नहीं सकता, मुझे ये आपकी पर्सनली आपकी लगता है। कनेक्टिविटी अगर मजबूत है और आपका बिल्कुल रابطہ अच्छा है और आप बेसिकली जुड़े हुए स्ट्रेस, हैं हाँ स्ट्रेस होता तब है कि फ़र्ज़ करें कि मेरा अगर किसी इंसान के साथ ताल्लुक़ बड़ा स्ट्रांग है तो अगर उसने कुछ कर दिया तो मुझे तब स्ट्रेस होगा, जो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मेरी तबीयत के मुताबिक नहीं है दैट्स ट्रू तो मुझे तब स्ट्रेस होगा कि ये क्या हो गया। लेकिन अगर मुझे इस बात को समझ आ जाए, लेकिन टाइम लगता है, आई एम नॉट सेइंग कि आज के आज ही आप बदल लो, वक्त लगता है हर चीज़ को, एवरीथिंग टेक्स टाइम, लेकिन डू योर बेस्ट एंड लीव दी रेस्ट ऑन अल्लाह। आप इतना अपना बेस्ट दे दो कि आपको एटलीस्ट एंड पे कोई गिल्ट ना हो कि काश वाह मैं ये वाह कर ग्रेट लेती वो कर लेती ग्रेट तो वो हो जाता। बेसकून होना नहीं है बिल्कुल भी, और बेसकूनी उस वक्त आती है जब आपको पता हो कि आपका दिया हुआ काम है, वाह 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 तब आपको बेसकूनी होती है। अच्छा मुझे बताइए कि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं हम कब से सुनते आ रहे हैं जी उनकी तरबियत, बच्चों की तरबियत बड़ी ज़रूरी है, बच्चों की और हमारी जो हालात मामला चल रहे हैं इस वजह से कि हम तरबियत याफ्ता नहीं है, तो हमारी तरबियत करनी किसने है? हमारी तरबियत हमारे घर ने करनी है, ठीक घर क्योंकि वालों की आप तरबियत किसने करनी उनके घर वालों ने बेसिकली ये एक साइकिल चलता आ रहा है। हाँ लेकिन ना एक चीज़ ये भी है कि अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मतलब एक मुझे एक बड़ा अच्छा मेरे पेरेंट्स का ये हाँ रवैया लगा था जो मैं चाहती हूँ कि मैं शेयर भी जी करूँ श्योर और ताकि लोगों को पता लगे। देखिए उन्होंने ना हमें अच्छे बुरे हर चीज़ को बता दिया, ठीक लेकिन अगर मुझे अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इशू होता था तो मैं अपने बाप से पूछने जाती थी या अपने माँ से पूछने जाती थी, वो मुझे रेफ़र करते थे किताब अच्छा कि गुड उसे देखो। गुड
मैंने उन किताबों को पढ़ा, मैंने उन चीज़ों को पढ़ा, मैंने कुरान और हदीस के साथ अपना ताल्लुक़ रखा, तो उससे फिर ना आपको पता लगता है कि क्या चीज़ राइट है क्या रॉन्ग है। अब अगर आप देखें कि हमारे जो बाप दादा करते आ रहे हैं, हमारे फैमिली स्ट्रेंड बने हुए हैं, हमने वो ही करना है, बिल्कुल और अगर हम वो नहीं करते हैं तो वो हम ये बहुत बड़ा कहेंगे जुर्म कर लिया बहुत हमने। बड़ा जुर्म तो किया। और साथ साथ आपने माशरे से सुनना है, वो फलाने का पोता तो बड़ा ही ऐसा निकला है, उसने तो अपनी सारी दादे की रवायत जो है ना ख़त्म कर दी है। लेकिन आप ये देखें कि क्या वो रवायत आपकी बिदअत तो नहीं है, क्या वो चीज़ आपके इस्लाम ने इजाज़त दी है। ट्रू, क्योंकि इस्लाम मेरे नज़दीक तो एक ऐसा मज़हब है जो बहुत परफेक्ट है, और बेशक बहुत इस तरह बेशक का कि बड़ा इजी है। बेशक मतलब मुझे बेशक नहीं कभी भी ऐसा लगा कि इसकी प्रैक्टिस करते हुए आपको कोई दिक्कत महसूस होती हो, और आपकी ना ये रूह की ग़ज़ा है बेशक इस्लाम। बेशक तो मुझे ये लगता है कि आपको किताबों की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए और ऑथेंटिक सोर्सेज की तरफ, और ऑथेंटिक सोर्सेज कुरान है। सबसे आप ऑथेंटिक सोर्स ही बिल्कुल हमारे पास आप वो कुरान है। देखें, उसे उठाएं, कुरान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बयान ना की गई हो, आप उसे उठा के पढ़ें, उसे समझें, तो मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी आपने बड़ी बहुत आसान हो अच्छी बात जाती की, है। आप उसको समझें। बिल्कुल पढ़ते तो हम सब हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत कुरान को ज़रूरी समझ है। के हाँ जी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसे उससे एग्जैक्टली। हदायत लेना बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि आपके पास ज़िंदगी में एक हफ़्ता भी आपको फ्री मिलता है ना, तो आप उसमें भी थोड़ा सा कुरान को समझ लें कि वो क्या क्या रहा है। बेसिकली वो ना मुझे, मैं जब भी कभी पढ़ती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं अल्लाह के साथ हम कलाम में वाह आई हूँ। वाह वाह तो एक ये वाह, बड़े अल्लाह मतलब मुखातिब है आपसे, बात कर बिल्कुल, रहा है। और वाह मतलब अगर आपको ये वाली फीलिंग आ जाती है, टच कर जाती है ना एक बार, तो आपको लगता है कि यार आप दुनिया के ना कोई अलग ही इंसान हो, वाह दुनिया में वाह, फिर आपका दिल नहीं लगता। नहीं लगता है, क्योंकि आप हकीकत से मिल जाते हैं ना और आप। मेरा ये मानना है कि जब आप अल्लाह से और आप हकीकी ताल्लुक डेवलप कर लेते हो ना, अल्लाह आपको वहाँ वहाँ से नवाजता है, आप सोच नहीं सकते हो। वाह, अच्छा ये बताइए कि आपने कहा अल्लाह से हकीकी ताल्लुक, हम सब दावा तो करते हैं, हम सब बात बिल्कुल करते हैं कि जी हम अल्लाह बड़ा मेहरबान है, रहम कर, बेशक है, वो खुद कहता है, लेकिन अल्लाह के साथ कनेक्ट होने का व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे कि हम अल्लाह से कैसे कनेक्ट हो जाएं, जिससे हमारी रूह कनेक्ट हो जाए, हमें कह लगे यार हम बस जैसे सबसे कहते पहले प्लीज। ना दिल को साफ करना है। ठीक आपने किसी के लिए दिल में बुराई नहीं रखनी, ठीक आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह जो करेगा ना बेहतर करेगा। बेशक और दिल इतना साफ रखें, इतना साफ रखें, अपनी नियत को इतना खालिस रखें कि कब भी आप किसी को कुछ दे रहे हैं ना, तो ये सोच के दें कि मैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहा हूँ। वाह, अगर आपको वापस नहीं भी मिलता है ना, तो इट्स ओके। शिकवा ना उसका करें। जो दर्जा है ना, शिकवा, देखिए मैं अब इंसान होने के नाते मैं ये भी नहीं कह सकती कि आपकी ज़बान पर शिकवा ना आए, क्योंकि आपकी ना एक कनेक्टिविटी के साथ एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाती हैं, ये ऑटोमेटिक है। लेकिन दिल तो साफ तभी होगा ना जब आप दिल से सब चीजें निकाल देंगे, कुदरते नफरतें। कनेक्टिविटी जो है वो आपकी दिल की सफाई के साथ, मतलब उसका कोई ठीक ऐसा कोई है, ताल्लुक नहीं है ठीक ठीक अकॉर्डिंग टू मी, ठीक क्योंकि कनेक्टिविटी जो है ना, मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस, अब सॉरी दिल नॉट साफ होगा तो आप कनेक्टिविटी, कनेक्ट हो सकेगा ना। हाँ, नॉट कनेक्टिविटी, एक्सपेक्टेशंस जो है ठीक ना। है अब ठीक देखिए है। अगर आप अल्लाह के साथ भी ताल्लुक़ रखते हैं ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह हम सारे इतने खुदगर्ज़ हैं, हम वो ताल्लुक़ भी अपनी ज़ात के लिए ही रखते हैं महसूस कि हम अगर अल्लाह के साथ एक ताल्लुक़ कायम किया तो हम ठीक, ये कहेंगे कि या अल्लाह मेरा तो ताल्लुक़ आपके साथ हाँ बड़ा ऐसा है, बड़ा है मुझे ये यार, दे दो, मुझे वो दे दो। महसूस तो वो चीज़ें जो है ना, वो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं। मैं वही बात की कि कनेक्टिविटी के साथ एक्सपेक्टेशंस ठीक एक ह्यूमन नेचर है, बिल्कुल ठीक वो है। डेवलप होती है, और ख्वाहिशात तो मरते दम तक आपकी ख़त्म नहीं होनी। लेकिन हाँ, उन ख्वाहिशात का रुख मोड़ लो, उनका रुख जो है ना वो इस तरफ कर लो कि आपको अल्लाह की तरफ लेके जाए वो ख्वाहिश। मतलब अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप ये सोचो कि मेरे अल्लाह इसमें राज़ी होता है या नहीं होता, वाह बहुत अच्छा है, तो बस आपकी ज़िंदगी यानी रब बड़ी की रज़ा आसान हो में, रब की जाएगी। रज़ा में राजी रहें, और बिल्कुल, और जिधर कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी को फ़ायदा हो, किसी से आप फ़ायदा लो ना लो, आपकी वजह से किसी को फ़ायदा हो। और अगर हर बंदा ये सोचना शुरू कर दे ना, तो ये दुनिया ही जन्नत क्या लग बात है, जाए। आप लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल, लोग खैर बांटे, खैर बांट, अच्छा खैर बांटने वाले कैसे बन सकते हैं वैसे? देखिए खैर बांटने वाले तो मेरे ख्याल से माशाल्लाह मुसलमानों में तो बहुत से ऐसे हैं, उन्हीं की अल्हम्दुलिल्लाह वजह से ये दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह, कायम है, बेशक बेशक है, और मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमें बहुत सी जगहों से, बहुत सी आफात से बचा रहे हैं। बेशक खैर बांटना, बेशक आप किसी को अच्छा मशवरा दे रहे हो, आप खैर बांट रहे हो, आप किसी की सलाम का जवाब दे रहे हो, आप खैर बांट रहे हो। मतलब इस्लाम में तो इतनी छोटी छोटी जगह जगह चीज़ों नेकी है, पे छोटी छोटी नेकियां, बातों पे बिल्कुल हम कितने लकी हैं ना, बहुत अल्लाह लकी हैं, ताला ने बहुत लकी हैं, हमें हर चुना कदम के हुआ है। ऊपर,
हर हम कदम चुने के हुए ऊपर लोग नेकी हैं, के लिए हमें असबाब पैदा करते हैं बिल्कुल हमारे हम लिए। चुने हुए लोग हैं, और हमें इस चीज़ पे प्राउड फील करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें चुना है, तो हमें पे बैक कैसे करना है। पे बैक करना भी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी नहीं, देखें ये ना सिलेबस दिया हुआ है अल्लाह ने हमें कुरान, तो उस सिलेबस के साथ रह के चलना है, और फिर आखिरत में उसका इम्तिहान भी देना है। इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों के लिए? बस मैं ये कहूँगी कि दिलों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए, दिलों के साथ अच्छा रहे, अपने आप को साफ रखें, अपनी प्योरिटी की तरफ फोकस करें। जितना आप प्योर रहेंगे, अंदर जितना बेहतर होता है ना, वाह क्या बाहर उतना ही अच्छा होता है। बात है, क्या बात तो है, आप बस अपने अंदर की तरफ तवज्जो बहुत दें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, यू बहुत अच्छा लगा वेलकम, आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। अपने मन में डूब के पा जा सुराग जिंदगी। इसी नोट के साथ जी मुझे भी दीजिएगा इजाज़त डॉक्टर साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी, हम कहाँ से शुरू हुए थे, हम कहाँ पे चले गए, लेकिन हम जहाँ से भी शुरू हुए थे हम ये बड़ी अच्छी जगह गए थे, क्योंकि वो हकीकत थी, सच था, और हकीकत यही है कि हमें अपने रब की तरफ जाना है, लौट के भी उसकी तरफ जाना है, और उस दुनिया में रहते भी उसके साथ कनेक्ट होना है, रजू करना है उससे। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।